मेरा नाम सुशांत कुमार सागर, मैं ओपीएस इंटरनेशनल स्कूल कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। आज हमारे स्कूल में रेनी डे पर एक मूवी प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाई गई, उसका नाम था तारे जमीन। तारे जमीन पर उसमें तीन लोगों का करेक्टर था, बच्चे का, वो जो स्टूडेंट था, पिता का और माता का। बच्चे को पढ़ने में बहुत ज़्यादा तकलीफें होती थी, बच्चों को बहुत मुश्किलों का सामना पड़ता था, मगर जो उसके पिता थे उसकी प्रॉब्लम नहीं समझते। जो उसकी माता थी, हम सभी जानते हैं कि माता का है हमारे जीवन में अहम रोल होता है, जो उसकी माता चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पा। तो बाद में वो उन्होंने बच्चों को पहले प्राइवेट स्कूल में भेजा गया गांव के में, फिर वहाँ बच्चों को शरारती करी, वो अच्छा नहीं बन पाया, फिर बाद में उन्होंने हॉस्टल में बच्चों को भेजा। उसके बाद बच्चे की समस्या तो अभी ऐसी की ऐसी रह गई थी, फिर उसके बाद बच्चे को भेज दिया तो बच्चे वहाँ पर उदास से दो बहुत दिनों तक उदास से रहा, क्योंकि बच्चे के माता पिता कभी कभी मिले हैं। बाद में उनके मैथ वाले टीचर, हिंदी के टीचर्स और ये सभी अध्यापक उससे सलूक से बहुत गंदा व्यवहार करते थे, वो मारते थे मन किंतु मगर उसकी समस्या का हल नहीं करते। कुछ दिनों बाद जो उसका नया टीचर जो आमिर खान रोल में निभाते थे वो आए, उन्होंने ये कहा, बच्चों को समझा और उसके जागरूकता अनुसार उसकी समस्या समझी, उसके घर गए, उसके माँ बाप से बात की और बाद में उसे अच्छी संस्था में डाले, उसे अच्छे उसके साथ आर्ट के अनुसार प्लेइंग के अनुसार उसे बच्चों को खिलाया। बाद में जो अंत में एक लास्ट प्रतियोगिता रही ड्राइंग की प्रतियोगिता, क्योंकि वो बच्चा जो था और ड्राइंग बहुत अच्छा बाद में रखी, तो बच्चा जो उसने प्रतियोगिता में फर्स्ट आया और उन्हें फर्स्ट मिली। और मैं इन सभी करेक्टर में जो जे तारे जमीन पर मूवी है इसमें मुझे जो एक टीचर का अहम रोल बहुत अच्छा रहा, ताकि एक टीचर हमारी समस्या को समझ, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी समस्याएं हमारे माँ बाप नहीं समझ पाते, हमारे टीचर्स अच्छी तरीके से समझ पाता है, उसे सोल्व कर। उसी प्रकार मैं अपने ओपीएस इंटरनेशनल स्कूल कक्षा 10 ओपीएस इंटरनेशनल स्कूल के सभी अध्यापकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, एवं श्री प्राक मंडी सर को भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जय जय।